मेरे को आए इस गाड़ी में बिठा के मेरे को थाने लिया है। एक तो मेरा आई कार्ड ले लिया, मैंने आई कार्ड दिखाया, करे आपका कोई इधर खड़े होने का कोई हक नहीं है, आई कार्ड है तो बताओ बिजली वाले। तो मैंने आई कार्ड दिखाया, मेरा आई कार्ड छीन लिया इन्हें। हमारे लड़के को भी बंद करवाया, हम लोगों को भी बंद करवाया, अब मुझे कमरा में ले जाके धमकी दे रहा है कि आज के बाद तूने अगर फील्ड में कोई दखलंदाजी किया नागलोई में तो तुम लोगों को भी बंद कर दिया जाएगा सारे के सारे को अंदर। तो उसी हिसाब से उन्होंने कहा कि हम इन बंदों को नहीं रखेंगे, वो अपनी नई लेबर ला के बाहर से काम करवा रही हैं, 10,000, 8,000, 7,000 में काम कराएंगे, करना करो नहीं तो भागो। मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली नांगलोई थाने के सामने, जहां पर तमाम बीएसएस कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके साथ हमने पहले भी दो खबर की है, जिसमें इन लोगों ने भी बताया था कि किस तरीके से इन्हें नौकरी पर निकलने से मजबूर किया जा रहा है। और आज कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिसे शायद काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक कहा जा सकता है। दरअसल इनमें से दो बीएसएस कर्मचारी बुधविया रोड पर खड़े थे, वो फ़ोन से कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे कि तभी अचानक एक पुलिसकर्मी के साथ नए बीएसएस कर्मचारी आते हैं और उन दोनों शख्स को उठा के सीधा इस थाने में ले आते हैं। वहाँ पर उनसे पूछताछ की जाती है, उनका फ़ोन जब्त कर लिया जाता है। हम बीएसएस कर्मचारियों के साथ मौजूद अभी उनके साथ जुड़े, हमने उनसे बात की कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था, क्या कुछ उन लोगों ने कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। जी आपका नाम? मेरा नाम जोगेंद्र कुमार है। क्या कुछ हुआ है अभी आपके साथ? मेरे को, मैं वहाँ पर बुधविहार रोड पे खड़ा हुआ था, मेरे को आए इस गाड़ी में बिठा के मेरे को थाने लिया है और मेरे को वहाँ बिठा लिया। कौन लोग आए? ये सिविल ठेकेदार के ठेकेदार था, पुलिस वाले आए। किस कारण आपको इस तरीके से थाने लेकर आया गया है? हम इसलिए खड़े थे वहाँ पर। खड़े थे बस इसलिए ले आए? हाँ। कौन से पुलिसकर्मी, कौन से थाने से थे? नांगलोई से? हाँ, नांगलोई से थे। आपको भी लेकर आए हैं? आपका नाम? मैं तो मैडम खुद आया था, मेरे को लेकर आए हैं यहाँ पर। विकास नाम है, विकास सक्सेना मेरा। हाँ जी। एक तो मेरा आई कार्ड ले लिया, मैंने आई कार्ड दिखाया, करे आपका कोई इधर खड़े होने का कोई हक नहीं है, आई कार्ड है तो बताओ बिजली वाले। तो मैंने आई कार्ड दिखाया, मेरा आई कार्ड छीन लिया इन्हें। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों किया गया आपके साथ ये, और कौन सी गाड़ी में आए थे? क्या वो पुलिस वैन थी? नहीं, पुलिस वैन नहीं थी मैम, पर्सनल गाड़ी थी उनकी। वो सिविल ड्रेस। अच्छा, अभी आप अंदर जा चुके एक बार? हाँ। मेरा क्या बात हुई है, क्यों लेकर आए थे पता चलो? इसलिए ले आए थे, हम खड़े थे वहाँ पर, मैंने फोन से फोटो बना रहा था, वे बोले भाई तू गा, मेरे को पकड़ के हाथ पकड़े गाड़ी में बिठा दिया और मेरे को ला के अंदर बिठा लिया। और अब अंदर क्या बात हुई है आपकी? अंदर कुछ बात नहीं हुई, ये कहने लगा मेरा फोन जमा कर लिया, आई कार्ड ले लिया दो चार लड़कों के, बस बंद नहीं करा। खैर हाँ। अभी आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन अंदर ही है। क्या बोल रहे हैं, कब मिलेगा फोन? फोन अभी नहीं पता चला। अच्छा, यानी कि आप वहाँ पर वीडियो बना रहे थे बुधविहार रोड पर, इस वजह से आपको लेकर आया गया। क्या लग रहा है, क्यों, किस कारण, मतलब वीडियो बनाने पे ऐसे क्यों लेकर आएंगे वो? पता नहीं मैम क्यों लेकर आए। तुम बताओ ये बताओ। ऐसा है मैडम जी, ये जब मेरे फोन किया जोगिंदर ने कि भाई मुझे कोई यहाँ पे थाना पे पुलिस वाला लेके आया है, और उसमें साथ में एक लड़के जो है विकास, उसको भी लेकर आया। मैं अंदर गया उनको बोलने के लिए, पुलिस वाले को, तो कहता है अंदर में समझा के मुझे कह रहा है कि भाई ये सब बैंडर का, ये बैंडर नया आया हुआ है, आप तुम्हें काम पे रखे न रखे उससे तुम्हारा कोई, इससे कोई मतलब नहीं है, कल के वो चाहे रखेगा जब भी या नहीं रखेगा, तुम इससे झगड़ा लड़ाए और काम बंद नहीं करवा सकते, नहीं तो सारे के सारे को अंदर बंद करवा देंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप किससे काम बंद करवा रहे हैं जो उन्होंने आपको ये बोला कि काम बंद नहीं करवा सकते? इसने बोला हम कि आप बीएसएस के अप्लायमेंट हो, बोला जी हम बीएसएस के नहीं ठेकेदार के, हम ठेकेदार थ्रू काम करते हैं। अच्छा, बीएसएस ने ये बोला है कि हम ठेकेदार के नहीं, बैंडर के थ्रू काम कर रहे हैं हम। बीएसएस तो हम लोगों को तो रखा नहीं है। हाँ। बैंडर के काम कर रहे हैं ना जी हम, यही बैंडर जो है पुलिस ये 100 नंबर फ़ोन करके हमारे लड़के को भी बंद करवाया, हम लोगों को भी बंद करवाया, अब मुझे कमरा में ले जाके धमकी दे रहा है कि आज के बाद तूने अगर फील्ड में कोई दखलंदाजी किया नागलोई में तो तुम लोगों को भी बंद कर दिया जाएगा सारे के सारे को अंदर। आप लोगों को काम से क्यों निकाला जा रहा है? काम पर से जी, पहले 23 तारीख से बैंडर का चेंजिंग होना था, तो उन लोगों ने हम ना तो कोई रिमांड मांगते कि मुझे ये पैसा चाहिए, वो भी जो मेरा पुराना रेट था उसी पुराने रेट पे हम लोग काम करने के एग्री थे, मगर उनने कह रहा भाई आना है तो तुम आओ, मगर मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे को काम के लिए, हम दूसरा लड़का काम करने के लिए ला रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों को कोई कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों के साथ खबर की है तो उसमें आपने बताया था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था आप लोगों का? एक साल के था जी, हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया हुआ था संध्या कंपनी ने, अब बीच में ही 2 महीने पहले ही वो अपना बैंडर चेंज कर दिया बीएसएस ने और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ला दिया है। कॉन्ट्रैक्ट उसका वो वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, क्या बोला है इसका
वैलिड कहाँ से रहेगा जी, हम लोगों के तो आधार आई कार्ड भी उसमें वैलिड नहीं है हमारा। यानी कि अभी आपकी और जो नए वेंडर्स रखे गए हैं उन लोगों की लड़ाई हो रही है काम को लेकर, काम के लेके, हाँ इसी के काम के लेके लोगों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है उनके द्वारा, लेके आ रहे मैडम बाउंसर वगैरह लेके आ रहे हैं, कह रहे काम नहीं करने देंगे, दूसरे लड़के को फरवा दूंगा, हाथ फरवा दूंगा, तुम्हें अंदर करवा दूंगा। तो कंपनी के थ्रू आप लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं? है ना, BHES ने जो एक साल का टेंडर था उसको कैंसिल करके 3 महीने में खत्म कर दिया। फिर BHES ने बदमाश ठेकेदार थे, 5 वेंडर पूरे वेस्ट में ज्वाइन करे, और उन ठेकेदारों ने, जितनी हमारी 500 की लेबर है पूरे वेस्ट में 500 लड़के काम करते हैं ठेकेदार के अंडर, BHES के और ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने कहा कि हम इन बंदों को नहीं रखेंगे, वो अपनी नई लेबर ला के बाहर से काम करवा रही हैं, तो इसी विषय पे लड़ाई हो रही है। जो पुराने 10-10 साल से लड़के काम कर रहे हैं, 5-5, 10-10 साल से सब अपने ज्वाइनिंग में काम कर रहे हैं, ये ठेकेदार आते हैं, इनको जो वेज के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए, जो उनका रेट होना चाहिए, जो भी इनका, वो कुछ नहीं देना चाहते, वो कहते हैं जी हमें इतना रेट नहीं पड़ता, हम लड़कों को अपने 10,000, 8,000, 7,000 में काम कराएंगे, करना करो नहीं तो भागो यहाँ से। और आपको मतलब सैलरी पहले ऐसी कितनी मिल रही थी कि उन्हें नए लड़के रखने पड़ गए? हमारा हिसाब बनता था, हमारा क्या होता था, मीटरों का हिसाब बनता था, 300 रुपये पर मीटर के हिसाब से हमें मिलते थे, जो 320 रुपये पर मीटर, अब ये कह रहे हैं हम 150 रुपये पर मीटर देंगे, करना करो नहीं तो भागो। आप लोग 150 रुपये पर मीटर करने पे तैयार हुए थे कि नहीं? नहीं नहीं मैम नहीं, इस वजह से उन्होंने नए लड़के रखे? इस वजह से नहीं रखे, वो भी जो भी लड़के वर्किंग कर रहे हैं इस टाइम, जिसको भी रख रहे हैं वो फर्जी हैं, बाहर के इक्के दुक्के 4-5 लड़के हैं, बाकी जो मेन पावर है वो सब स्ट्राइक पे बैठी है, कोई काम नहीं कर रही है, सब बैठे हैं आराम से। अभी आप लोगों की क्या मांग है, क्यों इन लोगों को पुलिस स्टेशन लाया गया, किस वजह से, और अभी तक क्या कंक्लूजन निकला इसका? ऐसा है ना, ये बदमाशी दिखा रहे हैं, जैसे कहीं अपनी मीटर लगवाने भेजते हैं, एक आधी टीम लड़के तो अपने नहीं करने देंगे, मीटर नहीं लगने देंगे, वहाँ पे पहुँचते हैं, तो ये क्या करते हैं कि दो के लड़कों को पुलिस के थ्रू आ रहा, अपने जैसे मर्जी सेटिंग करके झूठे केसों में बंद करवाना, बिंदापुर थाने में भी ऐसा ही हुआ था, 2 केस हो चुके हैं, जो किसी चीज़ का रीज़न ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उसमें भी केस में बंद करवा रहे हैं, तो लड़कों को डराया जा रहा है, वही चीज़ है मैम। आप लोग मतलब कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नए लड़के आए वो काम ना कर पाए? हाँ जी मैम, क्यों, हम 5 साल 10 साल 15 साल से सारे पुराने हैं, BHES में 2002 में BHES आई थी, जब से ही लड़के वर्किंग में है, और आते एट ए टाइम जो एक तारीख से टेंडर चेंज हुआ, सबको बाहर कर दिया गया, तो उस चीज़ के लिए तो हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है, जैसे मर्जी होगा अगर दूसरा कोई काम करेगा तो हम उसको काम नहीं करने देंगे। BHES द्वारा अभी तक आप लोगों को आश्वासन दिया गया है, कुछ बोला गया है इसमें? मैम BHES की मैनेजमेंट जो ऊपर उच्च अधिकारी बैठे हैं वो सब मिले हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इनके ठेकेदारों से मिलकर इनको भगाओ, जितनी भी इनकी यूनिटी बनी है, इनकी एकजुटता है, इनको ख़त्म करो, इनको तोड़ो, और काम इनको अगर करते हो ठीक है, नहीं तो अपने लड़के लगाओ। मैनेजमेंट का पूरा शह है इनके ऊपर, जिसमें अशोक गौतम और आपका अमल सिन्हा और ये आपका HR हेड है जो विनी सिक्का जी, ये 3 बंदे हैं जो उसकी पूरी गेम गेम आ रहे हैं ऊपर। इससे पहले भी उन लोगों ने कुछ गुंडागर्दी की है? हाँ जी मैम, गुंडागर्दी शुरू से ही कर, अभी कुछ किया इससे पहले? इससे पहले मैम हमारे एक लड़के, 2 लड़कों को मटियाला गांव से, ये जो DSY मान है उसने उठा के अपने ऑफिस में बंद करा, उसके बाद लड़के पर झूठे केस लगा के बिंदापुर थाने में बंद कराया, उसके बाद छोड़ दिया और उसकी बाइक रख ली थी, अगले दिन हमने 100 नंबर कंप्लेंट करवा के उसको बुलाया बाकायदा, वो विक्की मान अभी तक फरार है, जो भी थाने में नहीं आया है। तो देखिए जैसा कि आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि उन्हें थाने में कैसे लाया गया था, फिलहाल उनका फ़ोन वहाँ पे जब्त है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया था कि वो वहाँ पर फ़ोन से कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। देखिए हमने इस पूरे मामले को लेकर पहले भी 2 खबरें आप लोगों को हम दिखा चुके हैं, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरीके से पैसे ना देने के चक्कर में इन लोगों को नौकरी से निकलने पर मजबूर किया जा रहा है और नए कर्मचारियों को वहाँ पर भर्ती किया जा रहा है, जिस चीज़ को लेकर ये लोग काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान तो नहीं निकला। लेकिन आज जो इनके ऊपर मुसीबत आ पड़ी है वो आपने भी देखी कि किस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया गया। आखिरकार इनका जो कहना है उसमें कितना सच है ये अब हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, तो ये भी कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार नांगलोई थाने से कोई पुलिसकर्मी इस तरीके से 2 लोगों को गाड़ी में बिठा कर कैसे ला सकता है। फिलहाल ये जो पूरा मामला है ये 2 गुटों के बीच में बन चुका है और इन दोनों के बीच जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी की जा रही है। इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों के साथ गुंडागर्दी होती है, जो नए कर्मचारी है वो बाउंसर लेके घूमते हैं, बाउंसर लेकर मीटर लगाने जाते हैं, जिस बात से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब आपकी इस पूरे मामले में क्या कुछ राय है, क्या लगता है आपको, हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप